तो भाई जब मॉडिफिकेशन की इतनी बात छिड़ी रही है तो आरएस कैसे पीछे रह सकती है? आरएस तो जानी जाती है मॉडिफिकेशन के मामले में, क्योंकि कंपनी तो देगी नहीं कभी इसके अंदर अपडेट, तो लोग जो हैं वो खुद ही अपडेट दे देते हैं और ऐसा ऐसा अपडेट दे देते हैं कि लोग ना मेल्ट हो जाते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। और आज इसी आरएस 200 के ऊपर हम बात करेंगे और बताएंगे कि इस आरएस 200 में नॉर्मल आरएस 200 के मुकाबले क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को दिख रही होंगी। और इस आरएस 200 को अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो तो आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम जरूर जानेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन के ना नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन का पात्र होता है, तो सेटिस्फैक्शन के लिए तो लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं, पर उसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कब तक देखने के लिए मिलते हैं। बाकी एक बार आप गाड़ी देख लो कैसी दिख रही है, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करेंगे। जिसने ये गाड़ी करवाई आप उसको भी बखूबी जानते होंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अंडर हाइड है, जो हमें अभी नहीं पता चल रही है वीडियो में, वो हिमांशु खुद डिटेल में जाके बताएगा। आ जा भाई हिमांशु, मॉडिफिकेशन किंग। ये भाई हिमांशु है और इसके बाद ये रहा भैया अपना हिमांशु। क्या हाल है हिमांशु भाई? चलो भाई के पास R15 भी है और RS200 भी। पहला ऐसा ऑनर देख रहा हूँ जिसके पास R15 MBA टॉप मॉडल और RS200 भी। जो दोनों गाड़ियाँ हमेशा लड़ाइयों में रहती है ना, वो भाई ये खुद ऑन करता है। चलो वो कभी ऑनरशिप लेंगे तब बात करेंगे। आज जो मेन बात होगी वो अपनी मॉडिफिकेशन के लिए होगी, क्योंकि कंपनी तो देने से रहे भैया, कंपनी से तो 7-8 सालों से हमने उम्मीद छोड़ रखी है कि वो मॉडिफिकेशन के नाम पे इस पे कुछ कलर के अलावा भी कुछ कर दे। फीचर्स के मामले में कुछ नहीं है, फीचर्स के मामले में चलो वो तो खैर जानी ही, रॉ के मामले में जाती है। लुक्स अभी तक चेंज नहीं किए गए, और सबसे पहले मैं आपको इसके लुक्स दिखा दूं। क्या क्या काम हुआ पहले वो बता, फिर डिटेल में चलेंगे। मास्क चेंज हुआ इसका, वाइजर चेंज हुआ है, गाड़ी पेंट हुई है पूरी और इसमें लगे है। अच्छा पेंट हुई है? हाँ। ये रैप नहीं है? ये रैप नहीं है, पेंट है प्रॉपर। अरे तेरी आज खेला इसने कोई बढ़िया कार्यक्रम। फिर और इसमें लगे भाई शॉर्ट व्हील कवर। अच्छा व्हील कवर्स। और पीछे की तरफ लगी हुई है हैजार्ड के इंडिकेटर, वो हैजार्ड इंस्टॉल। अच्छा इसकी वो कहां गई वो दिल वाली लाइट? वो हटा दी मैंने। अच्छा वो हटा दी, और फिर ब्रेक लाइट का काम कैसे चलेगा? ब्रेक अभी हटा रखी है मैंने, कि पेंट चिकन में हटवा दी थी। अच्छा अच्छा चलो अब ये देख लो पहले, उसके बाद अब छोटा डिटेल में चलते हैं। ये मास्क मेरे को V3 की याद क्यों दिला रहा है? ये V3 का ही मास्क है, कटवा रखा है मैंने इधर से। अच्छा V3 का मास्क यहाँ से कटवा के इसने इसके ऊपर लगवा रखा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं आई लगाने में? नहीं, सेम यहाँ पे जो इसके RS के शीशे लगते हैं ना, वही नट बोल्ट फिट हो गया, ऊपर एक फिट हो गया। चलो और कोई छेद वेद वगैरह बॉडी के अंदर? एक्स्ट्रा छेद नहीं है, साइड में जो इसकी जो पहले वो थे ना शीशे में लाइट वाले, हाँ। उसमें एक होल हो रखा था, हाँ। उसी के जरिए इसने अंदर कर दिया। अच्छा मतलब अलग से आपको RS 200 में अगर आप ऐसे V3 का मास्क लगवाते हो तो आपको अलग से छेद कराने की जरूरत नहीं है, जो मिरर के छेद है इन्हीं में ये टकिन हो जाता है। चलो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी अपने को? इसकी पड़ी 700 रुपए। 700 रुपए का मास्क हो गया अपना। बॉल वाइजर पड़ा मेरे 350 रुपए, 350-350 मतलब 1000 रुपए का हो गया पूरा ये सेटअप। और लगाने के कितने रुपए लिए? 700 रुपए भाई पूरी सब चीज इंस्टॉल करने के, तो इसमें ये लाइट भी लगी, डीएल्स भी लगे हुए इसमें। अच्छा 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 ये एक मिनट ये रहे, जैसे अगर रिंग लाइट छुपा दे तो आपको ये कोई नाइट की वीडियो होगी तो मैं दिखाऊंगा। ये देखो ये जलेंगे। अच्छा ये हल्की हल्की उससे रिसेंबल लग रही है जो एक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड RS 200 की जो गाड़ी है, हाँ, उससे रेड वाली, मतलब ये कार के डीआरएल्स है, ये बाइक के नहीं है। हाँ ये कार में ही लगते हैं डीआरएल, हाँ। जो उसके एलईडी बनते हैं या उसके डीआरएल्स बनते हैं वो काट के लगाया होगा ना उन्होंने उसको एक पार्ट में काट के। अच्छा कोई वारंटी आउट होने का तो झंझट नहीं है, क्योंकि ये देखो आपने तार अलग से, क्योंकि प्लग एंड प्ले वाला सीन है, क्या सीन है? प्लग एंड प्ले सीन इसका, कोई तार नहीं कटी इसके साथ, तार नहीं कटी ना, प्लग एंड प्ले हो गया होगा। हाँ चलो एक ये चीज अच्छी रही आपकी, 2000 रुपए के तकरीबन ये पूरी कॉस्ट करी, ये डीआरएल लगा के डीएल पड़े 600 रुपए के। अच्छा ये अलग से पड़े, ये अलग से पड़े 600 रुपए के, 1000 रुपए का ये पड़ गया, 1600 ही हो गए, और 700 रुपए से अपनी लेबर, लेबर ली 700 रुपए के, लेबर में उसने डीआरएल भी लगाया और ये भी लगाया, और ये व्हील कवर भी लगवाए थे, ये भी लगाया। अच्छा व्हील, अच्छा व्हील कवर भी उसी में एडजस्ट थे, व्हील कवर उसमें एडजस्ट थे। चलो व्हील कवर का यार ऐसा कोई घाटा नहीं लगता, क्योंकि जब तेज स्पीड में चलाते हैं तो वो नहीं लगती है, हैंडल भारी भारी लग रहा है मुझे अब, है ना, लग रहा है। स्टार्टिंग में लगा था, स्टार्टिंग में इतना महसूस नहीं हुआ, जब गाड़ी चल जाती है थोड़ा यार रोड पे चलना तब पता चलता है, नॉर्मल चलाओगे तो महसूस नहीं करेगी इतनी, बट जिस टाइम रोड पे चलो तेज चलाओगे ना हैंडल बोबल नहीं करता, लेकिन गाड़ी यूं जा रही होती है ये, क्योंकि मैंने ना एक बंदे की गाड़ी चलाई थी, कर तेरे तो छोटे वाले, मुझे इसका आइडिया नहीं है, छोटे वाले में इनटेक आउटटेक होता रहता है हवा का, पर मैंने एक बड़े वाले चलाए थे, उसमें क्या है ना जैसे तेज स्पीड में चलाओ ना और आप अचानक से ओवरटेक करने की सोचो नहीं हो पाता, और हवा तेज है तो वो डिसबैलेंस होती है, ये भी हाँ। होती है, इसकी जो एयर कट रही है ना यहाँ से देख, हाँ। यहाँ से भी गैप आ रहा है हल्का हल्का, ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहा इसके अंदर, गैप आ रहा है, तो ना जब एयर प्रॉपर कटेगी तो गाड़ी अनोय हो ही जाएगी, है ना, ये मेरा हो रहा है, तो तेज स्पीड पे तो ये एक्सीडेंटल का पात्र बन सकता है भैया, तो हटवाऊंगा मैं, बट मुझे सही लगा, कम स्पीड में के लिए तो ठीक होगी, कम 50-60 ठीक है, जहाँ 80-100 क्रॉस कर ली ना गाड़ी ऐसा लगता है कि कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है, तो यही होता है भाई मॉडिफिकेशन की, कुछ एक अच्छे पॉइंट मिलते हैं ना, लुक्स इनहेंस होते हैं,
तो कुछ घाटे भी हमें झेलने पड़ते हैं, वो चीजें भी आप लोग देख के लगवाया करो। इनकेस गलती से हो गया ना मिस हैपनिंग, पकड़ती भी जाएगी गाड़ी पूरी। पहले नहीं पता होगा ये चीजें ना लगाने के बाद चली। उस टाइम तो हल्के की चला था, जा 3 फीट हाईवे पे निकला, लेकिन अपने ऑफिस टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगी थी। तो चलो, और रैप तो आप बहुत सारी गाड़ियों पर, इसी गाड़ियों पर 2-3 बार करा चुके हो, अब कलर का मन में कैसे आया? भाई गाड़ी ना ये रेड में देखी थी मैंने, एक दूसरी गाड़ी केरला की, वो रेड थी, प्रॉपर रेड थी। वो तो भाई अल्टीमेट लेवल का करते हैं। बट फिर ना आरसी दिल्ली है भाई, चलान बहुत जल्दी करते हैं यहाँ पे, तो अब कराओ तो रैप की चलान कटे तो हटा भी लो, दुख भी ना हो। तेरे तो चलान हो ही नहीं सकता है? तेरे तो इस गाड़ी पे चलान हो ही नहीं सकता। अब नहीं हो सकता ना? हाँ। अगर मैं रेड करवाता तो होता, तो हो जाता। फिर मेरे दिमाग है कि मेरी गाड़ी पे ना जो आरसी पे है व्हाइट कलर है, मैं क्यों ना इसको एक सिंगल टोन में कर दूं कंप्लीट गाड़ी, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन एक तरह से बस। और ये भाई आपको देखो, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी, पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हुई है। हाँ। कोई नॉर्मल बंदा अगर देखेगा तो, क्योंकि वाइट इसके अंदर ऑलरेडी आती है और बाकी 2-4 काम इसके पेंडिंग है, वो भी इसके अंदर होंगे। और क्या क्या पार्ट हुए इसके अंदर? अच्छा, ये अंडरबेली भी लगवाई क्या? ये अंडरबेली पेंट हुई है, ये कंपनी की है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि हम जैसे ना पहले अंडरबेली बनवाने गया था भाई, 8-10 हज़ार मांग रहा था, और मुझे जब उसने बताया ना तो मैंने अंडरबेली बड़ी कहा होगी, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है बड़ी करने का। हाँ। तो जब मैंने इसको पेंट किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई सिंगल टोन में आ रही है और थोड़ी बल्की सी लग रही है। ये पार्ट हुआ, ये पार्ट, ये मतलब सरफेस टैंक वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा हुआ। ये इसका तो रंग भी उतर गया भाई, चेसी है, देख चेसी वही तेरा सीन, खोल नहीं सकता था मैं। हाँ सही है भाई, चेसी पे कलर कराएंगे ना तो बाद में वारंटी वगैरह क्लेम लेने जाए तो वो बहुत दिक्कत देते हैं। वाइट भी करवाते ना तो फिर हमें चाहिए कोई अच्छा बंदा खोल के फिट भी कर सके। सही बात है, क्योंकि चेसी के जो छोटे छोटे पार्ट दिखते हैं ना, ये हम खुद नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते भाई। सेम ये पार्ट हुए थे, येलो पैनल किया मैंने पेंट, और ये पूरा पेंट हुआ है। अच्छा, ये भी पेंट है? ये भी पेंट है पूरी गाड़ी, पूरा नीचे से खुल के हुई होगी फिर तो। ये पूरी गाड़ी खुल गई थी गाड़ी के नाम पे ना, ये टंकी थी और वाया मास्क था, पूरी गाड़ी खुल गई थी। हाँ वो मैंने, खैर मैंने सामने से देखी थी। चलो, इसमें अपनी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी मानसू भाई? इसमें भी 2000 का पेंट पड़ा है। 2000 रुपए का? हाँ। पेंट पूरे सारे पार्ट्स पे, पूरे सारे पार्ट्स में लगे। चलो सही हो गया, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं पड़ा क्योंकि पार्ट बहुत सारे हैं इसमें। जब ना गाड़ी में दिखाई दे उसको लगा कि कम पार्ट होंगे, 2000 बोल दिए। जब गाड़ी के पार्ट खुल के गए ना तब एक्चुअल में लगे कि भाई बहुत ज्यादा पार्ट है। ये तो है भाई, जब तू लेके जा रहा था मैंने देखा था स्कूटी पे रख के, सामान भी नहीं आ रहा था। चलो ये सारी चीजें हैं, और पीछे का टेल टाइडी लगाने का या क्या सीन, क्योंकि इसकी तो वैसे ही अच्छा है मामला पानी। ये मामला में अच्छा, लेकिन एक ना लुक अब बना रहा हूँ तो भाई प्रॉपर लुक करूँ। हाँ ये भी, क्योंकि है। एक लुक के मामले में टायर भी कहने का इंक्लूड है, भी चेंज हुआ, ये भी चेंज होगा। हाँ यार, ये तो सबसे पहले कराना चाहिए था हिमांशु तुझे। ये भाई यार टायर है, क्योंकि अगर दूर से भी कोई दिखेगा ना टेल टाइड भी लग गई, बट टेल टाइड भी चेंज होगा क्योंकि ये मैग्नेट वाली है, चलान जल्दी होगा इसमें। हाँ यार मैग्नेट वाली का ना यार एक दिक्कत बहुत है, जैसे ऊपर चिपक जाएगी ना, ये देखो बस्ती है, ये बस्ती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप टेल टाइड के थोड़े से शौकीन हो तो वो वाली लगवाओ जिसमें आपको फोल्ड ना करना पड़े, क्योंकि पुलिस वाले ना जैसे ही हाथ मारेंगे ना तो हाथ मारते ही लेगी। देख हाँ ये देखो, और छूटते ही बोलते हैं कि चोर है क्या तू। ये उस चीज में फिर अपना एक पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता। टायर का क्या सोचा है, कौन सा भाई? टायर है 170 सोचा, 160 या 170 या 170 लगेगा नहीं। रेडियली लगवाइयो भैया, अब तो रेडियली लगवाओ, क्योंकि ये टायर तो वैसा, अगर मैं नॉर्मल ओनरशिप के तौर पर जानूं क्या है फीडबैक है बढ़िया? अभी देख मैं जितनी लीन करी ना, जैसे अनरेक्स में गिर चुका था रेडियल के साथ। हाँ। इससे अभी तक ऐसा कुछ मिसटैपिंग नहीं हुई है मुझे। अच्छा, मतलब जब तक गिरेगा तब तक ही बुरा नहीं बोलेगा? नहीं, हुआ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, मेरे ठीक कॉन्फिडेंस आता लेकिन उतना नहीं आता। ऐसी टायर 130 या 140 आईआरटी रेडियल पे होता ना इनफ था। हाँ ये तो यार, 200 cc की इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी और टायर 130, कहीं भी गाड़ी भगाओ ना, व्हीली करो या स्पीड में निकालो, टायर पहले वहीं घूमेगा फिर जाएगा आगे, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा, टायर झेल नहीं पाते। झेल नहीं रहा उसको। सही बात है। टायर चेंज कराऊंगा, से 2-3 काम इससे भी होने बाकी है। तो व्हील कवर का क्या सोचा, हटाना है कि नहीं? कौन सा? दोनों ही यार, अभी चलने दो, ऐसे ही चलने दो अभी जब तक टायर नहीं बदलते हैं। हां मैं जो टायर जब लगवाऊंगा ना तो क्या पता शायद टायर का इसकी थोड़ी जो एनोई थी वो कम हो जाए। चलो, और ये डीआरएल्स ये भी अलग से लगवा रखा है ना? हाँ ये पहले लगवा दिया, 400 रुपये के दोनों पेयर पड़ते मुझे, सस्ता ही आता है। हाँ 400 रुपये तो ठीक है। चलो इतना, मिरर वगैरह नंबर प्लेट कुछ भी नहीं? नंबर प्लेट लगेगी यहाँ पे डोमिनार वाली, क्योंकि इसका कैरियर मंगवाया, वो भी आएगा। हाँ वो सही है ना, क्योंकि यहाँ पे ना इसका पूरा लुक छुपा देते हैं, जैसे अपाची आरआर का छुपा देते हैं ना, R310 का वैसे ही हो जाता है। अभी ये भाई लाया था, मैंने एक शॉट भी डाला था, देखो जिसमें मैंने मोए मोए वाला गाना लगा के डाली थी ना, उसमें नंबर प्लेट लगा था ना, क्योंकि खुल के वो आ नहीं पा रहा था सामने से। अब मैं थोड़ा सा ऐसे एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ मैं, ये दोनों लाइट एक साथ जल्दी, अब देखो तो अब ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, जब उसकी नंबर प्लेट हट गई है। अब तो अच्छी लग रही है यार, बढ़िया लग रही है। और आप कुछ ग्राफिक्स वगैरह सोचे, क्योंकि ये तो अभी डायरेक्ट पेंट होके अपने पास आई गई है। देखिए ग्राफिक ना सोचे, बट मुझे ऐसा चाहिए भड़कीला में लगे, इस कलर में भी अच्छा लगे।
और मैं तो कह रहा हूँ तू अगर कुछ करवाएगा तो इसमें ब्लैक का ही कुछ करवाइयो। हाँ भाई ब्लैक ही करूँगा। हाँ क्योंकि फिर वो ना भड़कीली नहीं लगेगी। बहुत सारी चीजें भाई देख, या तो नाम लिखो छोटी सी यहाँ पे एक स्टिकरिंग चली गई, चैनल का छोटा सा नाम हो गया, कुछ भी एक मतलब अपना लिखवा के ये चीजें बढ़िया हो जाती हैं। अच्छा कलर का तुझे कुछ घाटा लगा अभी तक? कलर का यार देख घाटा यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे मार रखा है कि जब खड़ी होती है घर के बाहर बच्चे से पेल देते हैं। अच्छा चलो। अच्छा कलर और रैप में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तुझे क्या कौन सी चीज़ सही लगी? भाई मुझे देख अगर आपको लगता है कि आरसी से हटके करवा रहे हो, हाँ वन ऐसे कि आपको चेंज करवाना है तो भाई रैप पे जाओ। हाँ जिसका मन विचलित रहता है बार बार चेंज होता है कि ये हाँ, पक जाते हो बार बार पहले होता था। हाँ अगर आपको लगता है नहीं हम ये एक ही कलर चाहिए उसी में गाड़ी चलानी है आरसी के अकॉर्डिंग तो भाई पेंट का बेटर ऑप्शन रहेगा और ये लॉन्ग टर्म भी चलेगा। हाँ, पेंट के बाद रैप क्या है? रेड पे रैप ना आरएस पे चलेगा भी नहीं भाई। हाँ इसके ना पार्ट्स ही ऐसे टेढ़े-मेढ़े, इसके ना पार्ट बहुत कर्वी हैं, देखो यहाँ से कर्वी है इधर से कर्वी है तो ये जो छोटा छोटा उठा उठा पोर्स ना वो गोल सा बन जाता है। हां नाडो क्यों होता है इसका मैं इसने नाडो ग्रे भी करवाई थी इससे पहले मैं हटाई थी अभी मैं नहीं भाई इस पर पेंट ही होगा वन टाइम होगा भले चाहे एक साल चले छह महीने चले लेकिन चल जाएगा। अभी तक रोका वैसे पुलिस ने? नहीं अभी तक नहीं रोका। हाँ क्यों ही रोकेगी सही बात है इतना कुछ बोल भी नहीं है। और चलो अभी तक तो सेटिस्फाई सारी चीजों से ठीक है बस थोड़े से और काम हो जाए ना टायर वायर ग्राफिक्स तब पूरी कंप्लीट होगी गाड़ी। रिकमेंड करता है गाड़ी मतलब ये अगर ऐसा कुछ करवाना गाड़ी पे कलर करवाना या V3 का मास्क लगवाना, V3 के मास्क के कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे क्या आपको? या अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना वाइब्रेशन है ना कुछ है। अच्छा हाँ वही मैं सोचने रहता वाइब्रेशन का कुछ पंगा है कि पूरा टाइट है ये हल्का हिला ना ये तो हिलता नहीं है। चलो और चलो भाई थैंक यू मानसू भाई। अब देख लो भाई ये गाड़ी मेरे को तो बड़ी सही लगी, सोचा एक वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोग कुछ करवाना चाहो मिलता जुलता तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, पैसों का भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और चलो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।